तुम खुद बताओ यार, अगर मैं वो झूठ ना बोलता तो सुमन कभी वो लहंगा लेती? कभी नहीं यार। जस्ट इमेजिन, सुमन उस लहंगे में कितनी खूबसूरत लगेगी। क्या वो इमेजिन नहीं कर पा रहे हो? तुम्हारे बस की बात नहीं, छोड़ो। ब्रो जस्ट देखना किसका फोन है। मॉम। तुम्हारी मॉम मुझे क्यों कॉल कर रही है? तुम्हारी मॉम का फोन है। आई नो ब्रो, जस्ट किडिंग। एक बार प्लीज जस्ट आंसर इट फॉर मी। तुम्हें बोल दो मैं आधे घंटे में कॉल बैक करता हूँ। तुम खुद थोड़ी देर में कर लेना। अरे यार वो मेरी मॉम है, वो घबरा जाएंगी अगर मैं उनका फोन नहीं आंसर करता हूँ। वो सोचने लगती है चीजें, जस्ट आंसर इट नो। वैसे भी मेरी मॉम बहुत स्वीट है, तुम्हें कोई मुफ्त में आशीर्वाद दे देंगे। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ऐसे तो एक दो बेल में ही फोन उठा लेता है। क्या कर रहा है? ठीक तो है? हेलो हेलो आदि। हाँ जी, वो अभी वर्कआउट कर रहा है, मैं उसे बोलूंगा, आप बाद में फोन कर ले। ये आवाज कौन? That was quick, bro. Thank you. ये आवाज तो सुनी सी लग रही है, कौन हो सकता है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपकी वजह से ना मेरी लाइफ में सब बेस्ट ही बेस्ट हो रहा है। आपसे श्रवण मिले, श्रवण से मुझे पुष्कर, और आज भी देखो आदित्य आपका फ्रेंड अगर नहीं मिला होता तो मुझे इतना प्रीटी लहंगा कैसे मिलता? I wish दादी कि आप लोग जो भी चाहो ना आपको सब कुछ मिल जाए। अरे वैसे आपका लहंगा भी तो कितना प्यारा है ना, आपने सोचा है कि आप अपने बालों का उसके साथ क्या करोगे? I can't tell you how happy I am, इतनी खुशी हो रही थी, एक्साइटेड हूँ मैं। चलो मम्मी को फोटो दिखा के आते। बेटा हम यहाँ तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और आराम कर, हाँ बस फोन करके हमको बताते रहना कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। हाँ। मामी जी क्या हो गया, अनुज ठीक तो है ना? वो ठीक नहीं है, यहाँ आ रहा था तो हवाई अड्डे पे उसकी तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में दाखिला कराना पड़ा है, टाइफाइड हुआ है, एक दो दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। मतलब भैया मेरी शादी में नहीं आ पाएंगे? पता नहीं क्या हो रहा है, पहले हम अमेरिका जाने वाले थे नहीं जा पाए, अब जबकि वो आ रहा था तो बीमार पड़ गया, पता नहीं कैसे संभालेगा आप, अकेला है। भाभी प्लीज शांत हो जाओ, घर में शुभ मौका है, प्लीज रो मत। प्रीति पानी ले आओ। जी भाभी जी, देखिए अनुज समझदार है, वो संभाल लेगा अपने आप को, आप प्लीज परेशान मत होइए। कैसे संभाल लेगा, बीमार है, अकेला है वहां, जानते हो बचपन में अगर उसकी नाक भी बहती थी ना तो हमारे आवास आकर लेट जाया करता था और बोलता था माँ हमें अपने गले से लगा ले वरना हमको नींद नहीं आएगी, और आज एकदम अकेला है, हमको लगता है हमें उसके पास होना चाहिए था। लेकिन मैं देखती हूँ। हाँ। सभी नाते रिश्तेदारों को कह दिया। हाँ। अब तुम देख लो जो भी जानने वाले हैं उनमें से कोई बचा ना हो। बाबूजी वो निर्मला आहूजा जी। कैसी बात करते हो बबलू जी, सो समझ के तो बोला करो। अरे मगर, अरे श्रवण की माँ है वो, नफरत करता है वो उनसे, याद नहीं कुछ ही दिन पहले उनकी वजह से हमारे घर में इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। रामनाथ और श्रवण के लिए जो भी हो, मेरे लिए वो मेरी बेटी जैसी है। पर बाबूजी, और अपनी पोती के ब्याह में उसको ना बुलाना ठीक नहीं होगा। लाओ मेरा फोन दो।
क्यों श्रवण, तुम बताओ सुमन इस जोड़े में कमाल लगेगी कि नहीं? तुम इसके बेस्ट फ्रेंड को कुछ समझाओ यार इसे। इट्स ओके, मैं ले लेती हूँ। खुश यार, जस्ट इमेजिन सुमन उस लहंगे में कितनी खूबसूरत लगेगी, क्या वो इमेजिन नहीं कर पा रहे? तुम्हारे पास की बात नहीं, छोड़ो। श्रवण पुत्र। अरे लाल जी बैठिए ना प्लीज। ओ मैंने अपने हाथ से कॉफी बनाई, सोचा तेरे को ही पिला दूं। ओ पुत्र, तू ये रूबी क्यूब खेल रहा था ना? ओ पुत्र, पहले तो तू रूबी क्यूब 1.5 मिनट में सॉल्व कर लिया करता था, फिर आज की हो गया तेरे को? ये तो तेरा खेल है पुत्र। खेल ही तो है लाल जी, कभी जीतूंगा कभी हारूंगा। ओ पुत्र, पूरे दिल से खेलेगा यहां से तो फिर क्यों हारेगा हैं? यही तो प्रॉब्लम है लाला जी, हमेशा दिल से खेलो तो टूटा भी दिल ही, खेल बहुत आगे निकलता जा रहा है। ओए पुत्र, फासलों से नहीं घबराना। ओए खेल के साथ रिश्ता जितना गहरा और पुराना हो तो फासले ज्यादा दिन तक नहीं रहते। और फिर ये तो तेरा अपना खेल है, ये खेल ना तुझसे कोई छीन सकता है और ना इस खेल में तुझे कोई हरा सकता है। लाल जी ठीक कहा आपने, मुझे भरोसा रखना होगा, याद रखना होगा कि जो मेरा है एक ना एक दिन मेरा हो के रहेगा। हाँ कमजोर पड़ गया था शायद, भूल गया था कि ये सिर्फ एक खेल नहीं जिंदगी है। थैंक यू लाल जी। ओ मेंशन नॉट पुत्र, चल अब कॉफी पी, ये ले। ओ जी किथे गए? ओए तेरी चाची बुला रही है, मैं आता हूं। हैं जी, बहुत दुखी हो रहा है, वहां बच्चा विदेश में अकेला बीमार पड़ा है और हम यहां हाथ पे हाथ धरे बैठे। उसकी आवाज सुनते ही ना हमारा तो दिल दहक गया था, मन कर रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पास चले जाए। सुनिए जी, ये प्रीति की शादी हो जाएगी ना, फिर हम वहीं चले जाएंगे। मंजू मंजू शांत हो जाओ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। मैं जानता हूँ अनुज वहाँ पर अकेला है, लेकिन जरा तुम सोचो, हम ऐसे सब कुछ अचानक छोड़ छाड़ के, अपने देश को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? बाबूजी को हम अपने साथ ले जाएंगे, और मिट्टी के भाव की है यहाँ की जमीन, और वैसे भी कुछ खास नहीं चल रहा है। और सुमन का क्या? बबलू जी और रचना है ना, जैसे वो हमारे साथ रह रही थी वैसे ही उनके साथ रह लेगी। और वैसे भी कुछ दिनों के बाद तो उसे विदा होकर अपने घर चले जाना है ना, जिनके माँ बाप हैं वो बच्चा विदेश में अकेला पड़ा है बीमार, फिर माँ बाप की बच्ची के लिए हम बस अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे, शादी के बाद हम चले जाएंगे, समझे? बेबी अब बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा यार, इतना मन कर रहा है कि बस एक बार तुम्हें देख लूं। अब क्या कर सकते हैं, इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मम्मी ने कहा है कि शादी से कुछ दिनों पहले लड़का लड़की नहीं मिलते। हेलो मैडम, आपसे शादी कर रहा हूँ, इसीलिए आपके यूपी वाले सारे रीति रिवाज ना नेट पर सर्च करके आया हूँ। हल्दी कल है और हल्दी के बाद लड़का लड़की नहीं मिल सकते, लेकिन हमारे पास तो आज की रात है ना। मिस्टर आशिक, आप शायद अपनी घड़ी कहीं रख के भूल गए, क्योंकि अभी आधी रात हो रही है, अभी कैसे मिल सकते हैं? माय डियर स्वीट हार्ट, मैं अपनी घड़ी भूल के नहीं आया, खुद छोड़ के आया कि वो हमारे बीच में ना आ जाए।
तुम ना पागल हो गए हो। राइट, पागल तो हो गया हूँ, क्योंकि अगर पागल नहीं हुआ होता तो आधी रात को तुम्हारे घर के बाहर सिर्फ तुम्हें अच्छे से देखने के लिए थोड़ी ना खड़ा होता। पुष्कर, तुम यहाँ क्यों आ गए? जाओ, वापस जाओ, हम दोनों को डांट खिलाओगे तुम। नहीं, आज मैं अपने आप से प्रॉमिस करके आया हूँ कि तुमसे मिले बिना नहीं जाऊंगा। सिंपल। पुष्कर प्लीज ना जाओ। तुम आ रही हो या मैं गेट खोल के आऊँ? पुष्कर प्लीज, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? और वैसे भी शादी को कितने दिन बाकी रह गए, थोड़ा तो वेट करो ना। ठीक है मैडम, तुम करो वेट, मैं गेट कूद के आ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, मैं आती हूँ, बस सिर्फ दो मिनट के लिए। ठीक है, जल्दी आ जाओ। रुको वहीं पे, कहीं मत जाना। मैं लाइन पे हूँ, आओ। आ रही हूँ पुष्कर, थोड़ा तो वेट करो ना प्लीज। तू इतनी रात को कहाँ जा रही है? अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? बुआ सो ही नहीं आप अभी तक? अरे मैं तो पानी लेने जा रही थी। लेकिन तू? हाँ मैं भी तो पानी लेने जा रही थी, वो एक्चुअली ना बहुत ही स्वीट सा बुरा सपना देख लिया था तो काफी डरी हुई थी मैं। हाँ? स्वीट सा बुरा सपना क्या होता है? वो थोड़ा हिली हुई हूँ ना बुआ, तो इसीलिए कुछ भी मुँह से निकल रहा है। ओह तू घबरा मत, तू ऐसा कर, तू अपने कमरे में जा, मैं आज तेरे साथ ही सो जाऊंगी, फिर तुझे डर भर नहीं लगेगा। हाँ तू ऐसा कर, तू रुक, मैं पानी लेकर आती हूँ। सुन लिया, अब हम शादी के बाद ही मिलेंगे, ओके? अरे यार प्रॉमिस तोड़वा दिया बुआ ने। बट आई मिस यू यार। मिस यू टू। बाय। सुमन जल्दी कर, पहले ही देर हो चुकी है, जल्दी आओ। आई आई। अब सुमंदी सुमंदी। अरे वाह, आज मेरी परी की सुबह थी, सुबह कैसे होगी? आप ये पुष्कर को दे देना प्लीज, गाजर का हलवा। तो पुष्कर के लिए सुबह सुबह उठकर गाजर का हलवा बनाया जा रहा है, और इतने टाइम से जब तेरी दीदी तेरे को बोलती है सुबह जल्दी उठने के लिए तब आँख नहीं खुलती। हाँ प्लीज ना। चल कोई बात नहीं, जाकर अपनी हल्दी के लिए जल्दी से रेडी हो जा, हम अभी आते हैं। ठीक है। डेरी की तो डेरी मिल कर दी इन लोगों ने, हैं? वैंडी मामूजी, लुक 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 लुक। वैंडी पुत्र, तूने अपना दिमाग सर्विसिंग के लिए भिजवा रखा है, हैं? अब क्या किया मैंने मम्मी जी? एक कान में झुमके, एक कान में ये मोर पंख लगा रखा है। ओह, इट्स द लेटेस्ट फैशन मम्मी जी। Two styles का fusion, you know? मैंने तो लगता है तेरा दिमाग का बल्ब फ्यूज हो चुका है, उसे ठीक करा और इसे चेंज कर। और वो जो मिठाई आनी थी उसका क्या हुआ? जहाँ जरा देख मिठाई छिटाई आई। छवि, एमी। कौन है पई अब? मैं। ओह तुसी। ओ ये क्या हो गया? क्यों होया? ओ भाई इतनी देर वेट कराएंगे तो फिर मेकअप तो खराब होना ही। ओ नहीं नहीं आंटी जी, मेकअप तो थोड़ा ऑन पॉइंट है, मगर ये इतने खूबसूरत से चेहरे पे मुस्कान का नामो निशान ही नहीं है, उल्टा एक घबराहट के बादल छाए हुए हैं। मैं तेरे को एक एडवाइस दूं पुत्र जी? बिल्कुल जी। जब भी फ्यूचर में अपने बच्चों की शादी करवाएगा ना तो सही घर में कराना, गलत घर में कभी रिश्ता तय मत कर, तेरी भी भाइयां मेरी तरह उड़ जाए। पर हुआ क्या आंटी जी? जब से ये पुष्कर के ससुराल वाले हमारी लाइफ में आए हैं ना, मैं तो स्माइल ही उड़ गई। अरे इतने सारे फंक्शंस करते हैं, इतने सारे फंक्शंस करते हैं, सारी रस्में इनकी करनी है और सारी रस्में हम ही को निभानी है। अब खुद कहा कि हल्दी की रस्म इनकी है, हल्दी इन्होंने भिजवानी थी, अब हल्दी लेकर ऐसे गायब हो जैसे गधे के सर से एक सींग। ओहो आंटी जी, आप ऐसे फ्राउन श्राउन ना करो, टेंशन को दफा करो, ठंडी सी सांस लो एक बार। लो लो। वेरी गुड। ओ देखो आपके पुत्र की हल्दी की तैयारी के लिए पूरी चौकी सज रही है, तैयारियां ना उसे पिल्लू बना ली। और पिल्लू नहीं बदमाश, पीलू। ओ हाँ हाँ हाँ, पीलू पीलू। पर हल्दी कितने हैं? हल्दी तो लेके नहीं है। ओके। इतना बढ़िया डेकोरेशन। ओ रब का शुक्र है, इन्हें याद आ गया कि हल्दी आज। मैं पूछता हूँ। कहाँ थी इतनी देर से? पता है कितना परेशान हो रहे थे आंटी जी। नमस्ते कामनी जी। नमस्ते जी। चाची जी सॉरी, वो थोड़ा ट्रैफिक था रास्ते में इसलिए। और रहन दो जी, देर होनी थी हो गई, अब और देर ना करें हैं? आइए चलिए फंक्शन शुरू करते हैं। हाँ। आप तो आइए, हम लोग हल्दी तैयार कर लें। हाँ चलिए। नमस्ते जी। नमस्ते बाबूलाल जी, आप मेरे साथ आओ, एक छोटा सा ना है? हाँ छोटा सा चाय का प्याला पियेंगे, आओ।
बाकी रिश्तेदारों से भी मिलाता हूँ। चलिए चलिए चलिए, देर हो गई, बड़ी देर हो गई। अब आदित्य पुष्कर का है? पुष्कर वो अपने रूम में रेडी हो रहा है, मैं उसे अभी मिल के आती। चलो। ओ आदित्य पुत्र। आया आंटी जी। ओ जरा गेट पे देख, कुछ सामान आया हुआ है, चेक करके ले लियो प्लीज। गया आंटी जी। ठीक लग रहा हूँ ना भैया? छोटे हल्दी में तेरा हुलिया वैसे भी बिगड़ने वाला है, तो इस सब श्रृंगार का क्या फायदा? शादी की एक्साइटमेंट आपको नहीं पता भैया, जब आपकी शादी होगी ना तब पता लगेगा आपको। पुष्कर। ओए होए साली जी, वेलकम वेलकम साली जी। व्हाट्स अप? ये ले मेरे होने वाले जीजा जी के लिए। ये क्या है? अरे सब मैं ही बताऊंगी, खोल के तो देख। ओ गाजर का हलवा तूने बनाया? नहीं तेरी प्रीति ने बनाया, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। हाँ भैया अब हमारे लिए टाइम कहाँ होगा, तेरा सारा टाइम तो भैया के लिए ही है। बेचारे भैया, याद है बचपन में सारा होमवर्क तेरा करा करते थे इस हलवे के लिए। ब्लैकमेलर कहीं के। लेकिन भैया मेरे लिए तो ये हलवा स्पेशल है, मेरी बुड्ढी ने बनाया, सो आई एम सो हैप्पी। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तेरा सजना सवरना बंद हो जाए तो बाहर आ जाना। ठीक है। Looks nice ना? अब देखता ही रह गया, खाएगा भी। क्या हुआ, कैसा है? नहीं अब अलग है पर अच्छा है, गुड। खाए दे। जरूरत से ज्यादा अलग है ये। कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है। नहीं नहीं यार, अब प्रीति का अच्छा भी मेरा और अलग भी, सो इतने प्यार से उसने बनाया उसे बुरा लगेगा ना, सो खत्म तो करना पड़ेगा। चल पूरा खा ले फिर। एनीवे हैप्पी हल्दी, मैं निकलती हूँ। तू जा रही है? हल्दी में नहीं रुकेगी यार, वहाँ प्रीति की हल्दी तू कराएगा। अरे यार हो जाएगी ना उसकी भी हल्दी, तेरी बहन के सामने मैं कुछ नहीं। रुक जा ना, देख मैं नाराज हो जाऊंगा, रुक जा थोड़ी देर के लिए प्लीज प्लीज। वैसे ब्लैकमेल करेगा तो रुकना ही पड़ेगा। चलो भाई सो लेट्स डू हल्दी। मेरा सोना पुत्र, मेरा मकड़ा पुत्र, तू बिल्कुल इस हल्दी की तरह बन जा। मेरा मतलब है इस हल्दी में जो एंटीसेप्टिक गुण है ना उसे तू अपने जीवन में ले आ, और तेरे रिश्ते में कभी कोई जख्म ना बने, और बने तो उसे तू प्यार से भरना, बढ़ने मत देना। तू कभी भी अपनी मम्मी की तरह कोई नहीं जी, कोई नहीं, आपकी तारीफ कर रहा हूँ, कुछ भी अपनी मम्मी की तरह लाल मिर्च मत बनना, नहीं तो प्रीति को तो ऊपर वाले ही बचाए हैं। अंकल जी बहुत पते की बात कही आप। थैंक यू सर। ओए जवाना, एक कोर्ट रूम नहीं तेरा घर है, तू बड़े पापा भी बोल सकता है। फिर ये लो जी, रंग दिया तुम्हें तुम्हारे प्रीति के रंग में। यार राइट, दूसरे को तो रंग लगाते हो और अपनी वाइफ के रंग में रंगने से दूर भागते हो। सोच ले एक बार, फिर से सोच ले, इस शादी के लड्डू को पचा पाएगा कि नहीं। एक्चुअली मैंने मेहंदी लगाई है तो मेहंदी और हल्दी का कलर कॉम्बिनेशन मैच नहीं करता है, इसलिए। इट्स ओके भावस, लगा लो। थैंक यू, मैं थोड़ा सा ही लगाऊंगी। Thank you. Happy Haldi. Thank you. पुष्कर, हमारी प्रीति को कभी भी हमारी कमी नहीं महसूस होने देना। खुश रहो। Thank you. जय माता दी। जय माता दी। वाह बाबूलाल जी वाह। ये बस हो गई हल्दी? यार ऐसा लग रहा है पंडित जी ने तिलक लगा दिया पूजा करने के बाद। हल्दी ऐसे ही मनाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे किसी को भी ढंग से हल्दी लगाना नहीं आता है।
तो ठीक है, मैं बताता हूँ मुंबई की धमाकेदार हल्दी कैसे लगाई जाती है। धमाकेदार हल्दी? हाँ, तुम्हें नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। हाँ भाई, दिखा दे अपने मुंबई का स्टाइल। अरे अरे, कितनी हल्दी लगा दी, देख लो। क्या कर दिया यार? मैंने सोचा बेस क्यों करनी इतनी सारी हल्दी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.